पापा टिफिन। बेटी के रहने का ये फायदा है, टाइम पे टिफिन मिल जा रहा है। हाँ हाँ पंकज जी, हमने तो आपको कभी खाना खिलाया ही नहीं ना, कभी टिफिन बनाकर दिया ही नहीं ना। नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि बच्चियां जिम्मेदार हो गई हैं हमारी। अच्छा चलिए हम चलते हैं, ठीक है बेटा। बाय पापा। बाय। अच्छा भावना बेटा, ये बता कि तू अपने ससुराल में खाना वाना बनाती है कि अभी भी वहाँ नई दुल्हन बनकर ही बैठी है? नहीं माँ, मैं खाना बनाती हूँ। अमित, हेलो। क्या हाल चाल, सब ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, तुम कैसे हो? और वो जॉब सेटल हो गया ना वहाँ पे? हाँ थोड़ा वर्कलोड है बट ठीक है। मतलब मैं अब वहाँ आ सकती हूँ? नहीं नहीं अभी नहीं, वैसे मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है कंपनी में, थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा सुनो, अरे वो घर पर सब मिस कर रहे हैं तुम्हें, तुम्हारे हाथ के बने खाने की तारीफ कर रही थी मैं। और तुम्हारे देवर जी तो फैन हो गए हैं। जल्दी घर आओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे देवर जी भूख हड़ताल पे चले जाएं। हाँ ठीक है, देखती हूँ। ठीक है ओके। क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ क्या? क्या कहा अमित ने? हाँ वो बस कह रहे थे कि वो वहाँ ठीक हैं और सासू माँ और ऋषि पूछ रहे थे मेरे बारे में। ये तो बहुत अच्छी बात है, कितना लगाव है तुझसे। वैसे भी ससुराल में देवर दोस्त या भाई जैसा होता है, और तेरा देवर वैसा ही है, कितना सोचता है तेरे बारे में। मैं नाश्ता लगाती हूँ। क्या हुआ ऐसे अचानक? भैया कल से ना मैं जल्दी उठकर आपके लिए नाश्ता बनाऊंगी। आज आपको इंटरव्यू पे जाना था ना, और ये खाना बनाने के चक्कर में आप लेट हो गए। वैसे भी आज नहीं तो कल आपकी जॉब लग ही जाएगी, फिर क्या हम सब भूखे मरेंगे? किसी ना किसी को तो खाना बनाना ही होगा। हम है ना बच्चू, हम बनाएंगे। तुम छुटकी हो हमारी, तुम्हें थोड़ी करने देंगे सब काम। वहाँ कह दिया ना तो कह दिया, और आप अपने बच्चों की बात नहीं मानेंगे? अच्छा पापा बना लेना, बस खुश रहो। वैसे माँ यहाँ होती ना तो देख के बहुत खुश होती है, ये हमारी छोटी सी बच्चू हमारा इतना ध्यान रखने लगी है। पता है नन्नी सी थी तुम जब तुम्हें कंधे पर उठाकर घूमते थे। तो फिर क्या हुआ भैया, बचपन में आप मेरा ख्याल रखा करते थे, अब मेरी बारी है। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता, आप काम करो और हम सब आराम करें। उठ गई? हाँ और रेडी भी हो गई। खाना बनाने वाली बात सुनी मैंने। कृष्णा अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं भी कोशिश कर सकती हूँ। वो क्या है ना कि मुझे आदत नहीं है तो आदत डाल सीखना ही पड़ेगा। राखी बच्ची है फिर भी इसे सब घर का काम आता है, खाना बनाना आता है। बच्चू बेटा अपनी भाभी को खाना बनाना सिखा दे, ठीक है? जी भैया। चलते हैं। वैसे भी ससुराल में देवर दोस्त या भाई जैसा होता है, और तेरा देवर वैसा ही है, कितना सोचता है तेरे बारे में। हाँ बोलो ऋषि। हेलो भाभी, अरे कहाँ गायब हो यार आप, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। अच्छा कब आ रही हो आप? अभी कुछ दिन तो माँ के यहीं रहूँगी, मम्मी जी हैं पास में, बात करवाना। अरे ये सवाल मम्मी जी का ही था। अच्छा आप तो बता दो कब आ रही हो आप। हाँ तो मम्मी जी से कह देना कि मैं दो तीन दिन में आ जाऊँगी।
भाव। हेलो भाभी, भावना बेटा ससुराल से फोन था। हाँ वो ऋषि का फोन था। हाँ वो तो मैं समझ गई, बुला रहे ना तुझे, चली जा बेटा। माँ आप लोगों को छोड़ के जाने का दिल नहीं करता, अब सुहानी भी नहीं है, आप दोनों अकेले हो गए। दो तीन दिन और रुक जाती हूँ फिर आपकी भी जान छूटेगी मुझसे, चली जाऊंगी मैं। भावना ससुराल जाने की बात सुनकर ऐसी परेशान क्यों लग रही है? वहां कुछ हुआ है क्या? ससुराल जाने से हिचक क्यों रही है? क्या वाकई में मैं इस घर के लायक नहीं? ये घर जाहिलों का अड्डा बन गया है, पहले वो लड़की फिर ये जबरदस्ती का मेहमान। पता नहीं जब से ये लड़की इस घर में आई है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हे भगवान, दादी कहीं क्लास लगाने तो नहीं आ रही है हमारी, क्या करें? सुहानी तू यहाँ क्या कर रही हो? वो हम ना। अरे क्या हुआ बोलो। छोड़ो हमें कुछ बोलना ही नहीं है, हमारे इतने बुरे दिन चल रहे हैं ना। प्लीज चिल्लाना मत। बाहर आओ, तुम बाहर आओ पहले। और संभाल के आना, सुहानी संभाल के, कारपेट गंदा कर दिया। कहा था ना मेरे सोनी, क्या किया? पूरा कारपेट खराब कर दिया ना, कहा था मैंने? प्लीज चिल्लाओ मत, हम साफ कर देंगे। बाहर जा रहे हैं, देखो चिल्लाना मत। जाओ प्लीज जाओ। सोनी सॉरी सॉरी सॉरी, चिल्लाना मत प्लीज प्लीज सॉरी, हम जा रहे हैं बाहर। खड़ी क्यों हो, जाओ। हाँ हाँ जल गया, रुको इसमें डालो इसे। डालो, डालो, डालो।
भाभी ये सब क्या किया और ये हाथ कैसे जला? मुझे बुला लेती, अकेले सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें कितनी बार आवाज दी थी, तुमने सुना ही नहीं। मेरा मतलब था भाभी ये सब करने के पहले मुझे बुला लेती। ये देखो ये सब क्या हो गया, इतना सारा राशन बर्बाद हो गया और भैया की नौकरी लगने के पहले तो हमें ये सब खर्चे संभालने होंगे ना। सही कह रही है बच्चों, तुम्हारी लापरवाही की वजह से देखो कितना सारा राशन बर्बाद हो गया। भैया लगता है भाभी बुरा मान गई, उन्हें मैं मना लेती। चलो अच्छा है कि सब अपने अपने कमरे में, कम से कम थोड़ी देर बैठ तो सकते हैं। भगवान जी ऐसा कौन सा काम हम करें कि यहाँ पे सबके दिल हमारे नाम से ही पिघल जाए। वरना दादी दादी तो ऐसी अजीब नजरों से देखती हैं, मानो मंगल ग्रह के प्राणी हों। और एक सोमू है जो हरदम हमें चने के झाड़ पे चढ़ा के रखती है। पता नहीं कहाँ चली गई हमारी दोस्त। अरे बाप रे, सीढ़ियों पे इतना पानी, किसी का पैर पड़ा तो सीधे मुंह के बल गिरेगा। सुहानी भाभी जी कुछ हेल्प चाहिए तो हमें बताइए। नहीं वो सीढ़ियों पे पानी गिर गया है, वही साफ करना है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।